बताओ आपको पिछले संडे का वचन कैसा लगा? कौन सा वचन आपको याद है? नहीं, मुझे कुछ याद है। जो परमेश्वर के दास ने अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने पर सुनाया था। कुछ याद नहीं, आप बताओ। चलो मैं आपको बाइबल में से कुछ बताती हूँ। लूका 10 के और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, वही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरियो को जा रहा था कि डाकुओं ने गिर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसकी मार्ग से एक जाजक भी आ रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वाहन आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके गांव पर तेल और दासरस डालकर पत्तियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने दो दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुए में गिर गया, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब आपको कुछ समझ लगा? कुछ समझ लगा क्या? अभी भी कुछ समझ लगा? चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाओ। दूर कोस तक जब कोई बच्चा रोता है ना, उसकी माँ बोलती है, सो जा बेटा, नहीं तो बलविंदर चिकिट्टी वाला आ जाएगा। अरे घायल मनुष्य, ये तो बहुत घायल है। ओहो, मेरा तो प्रार्थना का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ, नहीं तो प्रार्थना में देरी हो जाएगी मुझे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अरे इतना घायल मनुष्य, अरे मुझे तो बहुत काम है, यरूशलेम के मंदिर के पर्दे ठीक करने मुझे तो। अरे छोड़ो इसे,
अरे ये क्या इतना ज्यादा खून भाई, अरे ये क्या, ये तो अधमराज इसको किसने छोड़ दिया, लगता है मुझे इसकी मरम्मत करनी होगी। लगता है ठीक, चलो भाई साहब। चलिए इसे कोई अधमरा छोड़ गया, तुम ऐसे करना जेल में कुछ पैसे और मेरे आने पर इसकी सेवा कर करना, तो जो कुछ आपका लगेगा वो मैं लौट आने पर आपको वापस कर सकता। अब आपको कुछ समझ लगा? तो आप बताओ किन तीनों में से उसका सच्चा पड़ोसी कौन था, जाजक, लेवी या सामरी? सामरी। हाँ बिल्कुल ठीक।